गाइस ये देखिए, जैसे हम पहुंच गए हैं सरगुंडा देवी, मौसम ने क्या बदलाव लिया। प्लस आप ये शीशे पे देख पाएंगे, ये ओले और हल्का सा जो बर्फ का रूप है वो आना शुरू हो गया है। डे टू, आज हम अपने होम स्टे से निकल के धनवल्टी के लिए निकल रहे हैं, जहाँ माँ सरगुंडा देवी उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। फाइनली गाइस, आज इंडिया की फर्स्ट RWD 4x2 जो कि 10,000 फीट की हाइट को अचीव करने जा रही है एक फैमिली ट्रिप के साथ। तो आप जुड़े रहिए, मैं दिखाता हूँ आपको कैसा परफॉर्म करती है, क्या पावर फेंकती है, क्या टॉर्क रहता है, क्या हिल असिस्ट काम करता है गाड़ी का। सी भाई साहब, आप देख रहे हैं गाड़ी आगे आगे करीब ये 85-90 डिग्री तक की एटीट्यूड है इन पहाड़ियों का, जिनके ऊपर हम गाड़ी लेके चल रहे हैं। तो अभी तक तो फ़िलहाल कोई भी जर्क या कुछ ऐसा महसूस नहीं करा हमने कि गाड़ी कहीं पे भी कोई स्ट्रगल कर रही है या टायर स्लिप कर रहा है, जबकि ऑटोमेटिक वर्जन है। बहुत कुछ हमारे हाथ में गियर शिफ्टिंग का है भी नहीं इसमें, तो अभी तक तो परफेक्ट है यार। ये देखिए, जैसे हम पहुंच गए हैं सरगुंडा देवी, मौसम ने क्या बदलाव लिया। प्लस आप ये शीशे पे देख पाएंगे, ये ओले और हल्का सा जो बर्फ का रूप है वो आना शुरू हो गया है। और क्या महिमा है, और ये भी टाइम आप देखोगे, ये कोई रात नहीं हो रही है, ये 1:22 यानी कि दिन के करीब 1:15 इसको देख सकते हो। जय माता दी गाइस, फाइनली हम ऊपर आ गए हैं मंदिर पे, जो कि एक बहुत बड़ी लॉटरी है, लॉटरी से कम नहीं है, क्योंकि आज से पहले जब हम यहाँ आए हैं तो आना एक बहुत बड़ा इम्पॉसिबल मतलब एक तरीके से टास्क होता था, क्योंकि सारी चढ़ाई आपको पैदल करनी पड़ती थी। बट अब 2000 मैं लास्ट जो आया था 17 के आसपास आया था, तो उसके बाद से ये चेयर कार शुरू हो गई है टिम्बर ट्रेन, तो इससे बहुत ईजी हो गया। बट ये भी सब लक की बात है कि 90 तो नहीं पर 60-70% मानिए कि ये चलती नहीं है, क्योंकि यहाँ हवा और ये टर्बुलेंस और बिजली गिरना मतलब ये बड़ा कॉमन सा एक एस्पेक्ट होता है। तो वी वर ऑल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग, लोगों ने तो हमें ही प्रसाद दे दिया था कि जी हमारा भी आप चढ़ा दीजिए जब आप हिम्मत कर रहे हो, क्योंकि नीचे से तो आपको ऊपर तक टेम्पल ट्रेन तक आना ही पड़ता है। बट ये काउंटर भी सभा माता रानी ने बड़ी कृपा करके खुलवा दिया। जय माता दी, जय माँ सरगुंडे, जय माता की। पहुंच गए हम सरगुंडा देवी, जो हाईएस्ट पीक है सीरी की, एग्जैक्ट डायमेंशन में दिखाऊंगा। आइए दर्शन कराते हैं। ये कितना है? 500 रुपये। बट यार पैर सुन हो गए हैं।
फाइनली बहुत बढ़िया दर्शन रहे हमारे। ये काली माता का है मंदिर, और अपने साथ साथ अपनी फैमिली के साथ साथ मैंने अपने सभी सब्सक्राइबर और फ्रेंड और वेल विशर्स के लिए भी विशेस मांगी हैं, आप सब सेफ रहें। बाकी थोड़ा सा इंटरप्शन रास्ते में मिला है, बट हार्डली 5-1 मिनट का था, बहुत ज़्यादा नहीं है। बैक टू यू नो हमर होम स्टे। बहुत सुंदर और सैनिक व्यू मिला, तो मैंने आपको दिखाऊंगा एक बार। अनटच ब्यूटी है धनवल्टी की। इस टाइप से रास्ते में बहुत सारे बहुत सुंदर सुंदर व्यूज हैं। गाइज लेट्स टॉक अबाउट परफॉर्मेंस, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न था। जैसे हम पहाड़ों पे आए हैं और 90 डिग्री तक गाड़ी हमने क्लेम करी है, और ऑटोमेटिक भी है और पेट्रोल भी है और थार भी है, जिसको ये कहते हैं, इसमें टर्बुलेंस बहुत है, पलटने का डर रहता है। तो मैं आप लोगों से बस इतना बताना चाह रहा हूँ, बहुत ऑनेस्ट तरीके से बताना चाह रहा हूँ, गाड़ी एक नंबर है और बिल्कुल पैसा वसूल है गाड़ी। आप विश्वास करें, एक इंच भी गाड़ी पीछे नहीं आई 90 डिग्री की चढ़ाई पे भी। बल्कि एक बार तो एक भाई ने, पहाड़ी भाई ने गाड़ी उल्टी उतराई पे ऐसे लाया कि हमें ही ब्रेक लेनी पड़ गई चढ़ते हुए भी, जबकि नियम यह है आप चढ़ते हुए को पहले सा रास्ता दो। उसके बावजूद गाड़ी मैंने उसी जगह से उठाई, एक इंच भी गाड़ी पीछे नहीं गई, बहुत अच्छा लगा। दूसरी चीज़, जैसे ऑटोमेटिक है तो कहीं ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैनुअल डाल के आपको गियर छोटे डालने पड़ रहे हैं या कुछ है, तो सुपर परफॉर्मेंस है। विश्वास करो, मुझे फॉर्च्यूनर से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है गाड़ी को पहाड़ों पे ले जाने का। तो मतलब मुझे फॉर्च्यूनर में भी इतना मज़ा नहीं आया जितना इस गाड़ी को पहाड़ों पे चलाने का आया। और एवरेज की भी बात रही तो करीब करीब मुझे 6,000 रुपये का फ्यूल इसके अंदर पूरे ट्रिप पर मेरा लगा, जो कि मुझे कहीं से भी महंगा नहीं लगा। फॉर्च्यूनर में डीजल के एवरेज में भी इतना ही लगता है। चलो गाइज, थैंक यू, सी यू।